तो मैं आपके घर में आ सकती हूँ? इधर यहाँ पे क्या करते हैं, बैठने के लिए? ये कैसे? आप भी आ जाओ। आप क्यों जा रहे हो? आ जाओ। नहीं नहीं, आ जाओ ना जल्दी, आ जाओ। दोनों को आना है। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और फाइनली हम निकल चुके हैं घर के लिए, और घर में पहुंचने का हमारा जो टाइम दिखा रहा है मैप, वो दिखा रहा है 7:15। और अगर हम रास्ते में कहीं रुकते हैं तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और हमने रूट लिया है सहारनपुर का, तो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ हम रुके हैं फॉरेस्ट एरिया में। यहाँ पे इतने घने जंगल हैं, यहाँ रोड इतनी अच्छी है, दोनों साइड फॉरेस्ट एरिया और बीच में रोड। किधर जा रहे हैं आप? उधर की साइड। अभी इधर से ट्रक आ रहा है। फॉरेस्ट एरिया में कूदने के लिए हम तैयार। वाओ, झोपड़ियां बनी हुई है, झोपड़ियां बनी हुई है। चलो, तो यहाँ तो रहने वाले आदिमानव आदिमानव होंगे। यहाँ फॉरेस्ट एरिया में कूद गए हैं, गाड़ी हमारी। पथरीला कथरीला सारा रास्ता, और ये घने जंगल, घने जंगल, सुनसान रास्ता। यहाँ पर बोला जाता है कि यहाँ जंगली जानवरों का बसेरा है, और उन जंगली जानवरों के बीच कुछ हम तीन जंगली जानवर भी जा रहे हैं। हैं भाई, ये ना जरूर यहाँ से पानी वानी जाता होगा जरूर। अभी बरसात का सीजन नहीं है ना, तो यहाँ पे ये ड्राई हो गया। कितने लंबे लंबे ट्रीज। माय गॉड। और ये है वो रास्ता जिससे हम जा रहे हैं। सब मुझे छोड़ के जा रहे हैं और मुझे भागना पड़ रहा है। और यहाँ पे ना झोपड़ी टाइप बने हुई है। झोपड़ी है कि यहाँ पे कुछ स्टोरेज टाइप है? बस तो यहाँ तो जोरदार, तो अब लाई पता उनका काट के। ये जो झोपड़ियाँ हैं इनमें जा रहे हैं। ये क्या बना रहे हो आप? मुझे तो समझ ही नहीं आया। अच्छा, ये जो बना रखे हैं घर, घर हैं ये? ये जो ये बन रहे हैं, ये आपके घर हैं? छप्पर, तो इसी में रहते हो आप? और कब से रह रहे हो? अच्छा, तो यहाँ पे जंगली जानवर वगैरह नहीं आते? कौन कौन से जानवर आते हैं? तो मैं आपके घर में आ सकती हूँ इधर? थैंक यू। ये किसका है? अच्छा, बच्चों ने बना रखा है ये खेलने के लिए ना। और भैंसों का कटरू है। अच्छा, भैंसों के लिए पत्तियां डाल के जिससे ठंडी ना लगे उन्हें। और ये क्या है? यहाँ पे क्या करते हैं, बैठने के लिए? ये कैसे? बहुत अच्छा बना रखा है ना सारे में। ये वाला, ये कवर कर रखे। तो यहाँ बरसात में पानी नहीं भरता? अंदर घर में नहीं आता पानी? हाँ, बहुत सुंदर। आपका घर कौन सा है? सबका अलग अलग होगा ना फिर। आपका कौन सा है? कौन से वाला ज्यादा आगे? और आपका कौन सा है? ये वाला। आ जा। ओ, इन्होंने तो अभी साफ सफाई की है। यहाँ छोटा बच्चा सो रहा है क्या? ना। आपने तो अलमारी भी बना रखी है, क्या बात है, बहुत सही है।
क्या मैं आपके घर में आ जाऊं? आजा आपके घर पे अंदर जाऊं। वाओ कितना सुंदर, देखो कितना अच्छा मिट्टी का कोई डिजाइन। यहाँ पे थोड़ी लाइट कम है तो इसलिए थोड़ा प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है। अरे खाने का यहाँ पे क्या करते हैं, आग हाथ सेकते हैं क्या यहाँ? ये फ्रिज और यहाँ पे सामान, ये अलमेरा, ये किचन। ओ किचन कितने अच्छे से लगा रखी है, और ये खाना बनाने का चूल्हा अच्छा बना रखा है बहुत। वाओ इसमें तो कुछ बना भी रहे हो आप, क्या बना रहे हो? गरम पानी, रसोई है, रसोई गरम पानी कर रहे हो ना? हाँ। और खाने में क्या बनाओगे आज? आलू सब्जी बनाएंगे। आलू की सब्जी? हाँ। खाली आलू या आलू टमाटर? आलू टमाटर। अच्छा पहले ज्यादातर ऐसे ही बनते थे गाँव में। अब बच्चा लोग आ गए और बड़े लोग, आप भी आ जाओ। आप क्यों जा रहे हो? आ जाओ। नहीं नहीं आ जाओ ना जल्दी, आ जाओ, दोनों को आना है। You know me, don't come come 한다면 나 홀로 너를 생각하네 이런 기분 रुक जाओ पहले देख के क्रॉस करना सड़क। तैयार? इनकी देखिए एक मिनट गाड़ी आ रही है, किसी उसमें रख के देना छू छू में, टिफिन थोड़ी ना ये लेके जाएंगे वहां तक। हाँ रुक जाओ, ये हमारे पास अचार है और ये टॉफी, ये सारे मैं इसमें डाल दे। हाँ अचार मेरा रास्ते चल रहा है। टॉफी सारी दे दो, वहां भी तो है बच्चे खड़े। उनको आदत है उनको। रुक जा गाड़ी आ रही है। और बस अब फिर से बैठकर अब निकल चले हैं घर के लिए फिर से, और हम जाएंगे सहारनपुर के रास्ते से। तो अभी यहाँ से बोला गया है 62 किलोमीटर दूर है, तो अभी काफ़ी लंबा ट्रैवल करना है, रात ही हो जाएगी हमें एक ही। हाँ ये यमुना जी का हिस्सा है जो हमारे साथ साथ आ रहा है,
एक साइड पहाड़ है, ये रोड है और ये सूखी यमुना है। यहाँ पे बहुत हल्का फुल्का सा कहीं कहीं को एक एक लाइन सी पानी की आ रही है। पीछे जहाँ रास्ते थे वहाँ बंदरों ने हमें उतरने नहीं दिया, और जहाँ बंदर नहीं है वहाँ हम उतर नहीं सकते, कहीं रास्ता नहीं है, ढूंढ लिया कहीं भी नहीं है रास्ता। इधर उधर इतना लंबा स्टेप तो किसी का नहीं है कि इतनी ऊंची ऊंची स्टेयर्स पे कूद सके कोई, बहुत गहराई में एक्चुअली है। ओ मस्त, इसलिए आज तो जाने का ही दिन है, कल ही उसे भी ऑफिस ज्वाइन करना है, तो क्या उसे किस चीज़ की चिंता, निकल घर के लिए निकल ही लिए हैं। और यहाँ नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, क्या करें, कुछ तो रास्ता हो, कहीं आगे होगा, पीछे तो छोड़ा है, वैसे पीछे तो था रास्ता लेकिन वहाँ बंदरों का इतना बड़ा ट्रेला था कि पूछो मत, पूरे एक आया उतर के पेड़ से और गाड़ी रुकते ही वहाँ से झपा 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 झप झप, इतने सारे रोड पे ऐसे हो गए हाथ ऊपर खड़े करके। हमने कहा बस आप शीशे ऊपर ही रखो और चल लो यहाँ से, फिर हम चल ही पड़े यहाँ से। अब यहाँ पे पहाड़ों की वजह से यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो गया है, और दूसरी डायरेक्शन में अभी धूप दिखाई दे रही है, लेकिन वही है दिन छिपना स्टार्ट हो गया है, और हमें तो पता ही है थोड़ा रात तक ही हम पहुँचे। पहाड़ों के साथ साथ यहाँ की रोड भी कितनी अच्छे से बनाई हुई है, घुमावदार बिल्कुल परफेक्ट, और यहाँ के पहाड़ों के नज़ारे भी कितने अच्छे हैं। एक साइड तो अंधेरा हो रहा है, दूसरी साइड पहाड़ों पर बिल्कुल अच्छी खिलखिलाती धूप। और अब बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, शाम के हो गए हैं 6:30, और हमें अभी और टाइम लगेगा, हम पहुंचेंगे 7:15 के आसपास तक। और मुझे लग रहा है यहाँ पे अब मैप दिखा रहा है कि टोल आ गया, और अभी टोल पे जब खड़े ही हुए हैं तो मैं तब तक अपने चक्राता ट्रिप का यहीं पे कर देती हूँ एंड। लेकिन उससे पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो को आप बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझे कमेंट करके नहीं बताएंगे कि वीडियो कैसी लग रही है, कैसी मेरी वीडियो बनी हुई होती हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा मैं अपनी वीडियोस में कैसे इम्प्रूवमेंट करूं। और अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ नया देखना है, कुछ आप अलग से कुछ देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए सभी अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और हाँ कमेंट करके ज़रूर जाइएगा ताकि मुझे पता चल सके क्या कमी है क्या अच्छी है। टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो फिर जल्दी से लेकर आती हूँ।